जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी तो मैंगो का सीजन है, बढ़िया आम मिलता है मार्केट में। सिर्फ 15 मिनट में जल्दी से बनने वाले अचार की रेसिपी लेके आई हूँ। इस अचार को आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता। तो आइए देखेंगे कैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ पे अचार बनाने के लिए 10 से 12 आम लिया है। आम को मैंने अच्छे से साफ करके अच्छे से सुखा लिया है। हमें यहाँ पे अचार बनाने के लिए जो भी सामान यूज़ करते हैं, जैसे कि चॉपिंग बोर्ड, नाइफ, प्लेट या कोई बर्तन, वो एकदम साफ और सूखा होना चाहिए। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए ताकि हमारा अचार बहुत दिन तक चल सके। मैं यहाँ पे आम को छोटा छोटा काट रही हूँ। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ में काटा है, आप इससे भी बारीक काट सकते हैं। काटने के बाद आम को मैंने एक साफ़ सी बर्तन में निकाल के रखा है। पहले हमें मसाला रेडी करना है, उसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें ड्राई रोस्ट करना है। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई और आधा टीस्पून मेथी दाना लिया है। मैं यहाँ पे मिर्ची स्पाइसी वाला 8 से 10 लिया है और कलर वाली 15 मिर्ची लिया है और थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है। कड़ी पत्ता मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया है। अभी हम इन सभी को ड्राई रोस्ट कर लेना है। पहले मैंने जीरा, राई और मेथी को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। जीरा और मेथी का रंग थोड़ा सा चेंज होने तक हमें भून लेना है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मिर्ची को भी हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। मिर्ची थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक हमें भूनना है, काला नहीं पड़ना है। मिर्ची काला पड़ गया तो टेस्ट में और रंग में दोनों में फर्क आएगा। पहले मैं दोनों मिर्ची को भून रही हूँ, उसके बाद मैंने कड़ी पत्ता ऐड किया है। भुना हुआ सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें ठंडा होने के लिए छोड़ना है। सारा मसाला ठंडा होने तक हमें अचार के लिए चोखा रेडी करना है। चोखा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में 1 कटोरी नारियल का तेल लिया हुआ है। आप अपने हिसाब से जो भी आप खाने में यूज़ करते हैं वो तेल यूज़ कर सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने उसमें 1 टीस्पून राई ऐड किया है। राई अच्छे से चटकने के बाद 1 स्पून जीरा और 1 पूरा लहसुन को मैंने यहाँ पे चॉप करके ऐड कर रही हूँ। लहसुन हल्का सा ब्राउन होने के बाद गैस को बंद कर लेना है। उसके बाद हमें कड़ी पत्ता ऐड करना है। इस छोके को हमें अभी ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। पत्ता के लिए हम जो भून के रखा था उस मसाले को हमें पीस लेना है। मसाला अच्छे से फाइन पाउडर होना चाहिए। मैं यहाँ पे छोटे से मिक्सी की जार में पीस रही हूँ, तो बैच बाई बैच डाल के पीस रही हूँ। मिर्ची बहुत बढ़िया था तो कलर बहुत अच्छा आया हुआ है। मसाला और चोखा दोनों रेडी हो गया। अभी इन सबको हमें आम में डाल के मिक्स करना है। पहले हमें जो काट के रखी हुई थी उस आम पे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून हींग और 2 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। नमक कम लग रहा था तो बाद में मैंने और 1 टीस्पून ऐड किया है। आप भी अपने हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए। और हमने जो पीस के रखी हुई थी उस मसाले को भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप जो ले रहे हैं वो आम खट्टा नहीं है तो मसाला ऐड करने के बाद 1 स्पून विनेगर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमारा चोखा भी ठंडा हो गया है। अभी हम इस चोखे को आम में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। मैं यहाँ पे जो रेड चिली लिया हुआ था उससे कलर बहुत बढ़िया आया हुआ है। जो आप लेंगे उस मिर्ची में कलर कम है तो आप 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर को चोखा हल्का सा ठंडा होने के बाद उसमें ऐड करके सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस अचार को आप इंस्टेंट यूज भी कर सकते हैं और आपको बहुत दिन के लिए स्टोर करना है तो 1 हफ्ता रोज 2-2 घंटा धूप में रख लीजिए। मैं इस अचार को 1 ग्लास की कंटेनर में भर के 1 हफ्ते के लिए 2-2 घंटा धूप में रखती हूँ। इससे अचार का सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैसे कपड़ा बांधा हुआ है। ये मैंने 1 दिन रखा हुआ है ऑलरेडी धूप में। आपको धूप में रखने के लिए टाइम नहीं है तो फ्रिज में आप आराम से इसको 3 महीना स्टोर कर सकते हैं। मैं हर साल आम का ये अचार बनाती हूँ। 1 हफ्ता धूप में रखने के बाद आराम से मैं 3-4 महीने ये बाहर ही में रख के यूज़ करती हूँ। आशा करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।